हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियोस लेकर। आज हम करने वाले स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन इन द ब्रैकेट एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप देख लो, ये दोनों क्वेश्चन दिए और उनके आंसर पर टिक लगा हुआ है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस। ठीक है, द टेम्परेचर नियर द सी लेवल इज हायर, ये करेक्ट है। ठीक है, आइसोथर्मल जनरली अपीयर पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर एम आई। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लो, इसके पास जो आंसर है, द आइसोथर्म जो है वो 0°C रन इन माई सराउंडिंग, आई मस्ट बी इन पोलार रीजन। अगर हम पोलार रीजन में रहेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी, यानी 0° होगा। फिर द मीन्स ऑफ एनुअल टेम्परेचर इज 25° अराउंड मी, तो उस जगह पर हम कहाँ पर होंगे, ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। द मीन्स एनुअल टेम्परेचर अराउंड मी इज 10°C, तो उस जगह पर हम होंगे टेम्परेचर रीजन में। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। Who am I? अब हम कौन हैं, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर। I connect places of equal temperature. तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल होता है। I am useful for measuring the correct temperature, यानी थर्मोमीटर। I get heated due to the land and water near me. तो आंसर होगा एयर। लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू मी, तो आंसर होगा सन। तो फिर आगे इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं मिल पाया था, इसलिए आप थर्ड का देख लो, थर्ड और फोर्थ का आंसर। फिर उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ का आंसर। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो ये इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपको ये डायग्राम देखना है, जो आपको डायग्राम दिया था डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेक द आइसोथर्मल ज़िगज़ैग, ये उसका आंसर है। अलग अलग पॉइंट्स वाइज आंसर है, आपको जितने पॉइंट्स चाहिए आप उतने लिख सकते हो। फिर लास्ट है गिव रीज़न। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ये उसके आगे का आंसर। अब हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीटेड। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हो। बाय बाय।